गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि गांव में रहने वाले लोगों के माटी कला से जुड़े लोगों के माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है। माटी कला बोर्ड बनने के बाद 6 योजनाएं बोर्ड की तरफ से संचालित की गई है, जिससे इनसे जुड़े लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि बोर्ड के द्वारा पूरे प्रदेश में माटी कला से जुड़े लोगों के लिए 2300 पट्टे आवंटित करवाया गया है और सभी जनपदों में कमिश्नरी स्तर पर एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति ने कहा, देखिए आपके माध्यम से आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने माटी कला से जुड़े दूर दराज गाँव गली मोहल्लों में रहने वाले शिल्पकारों की चिंता करके माटी कला बोर्ड का गठन किया। माटी कला का गठन होने के बाद संपूर्ण जनपदों में हम एक माटी कला से जुड़े परिवारों का चिन्हीकरण का कार्य योजना हमारी चल रही है। उसके बाद कई योजनाएं हमारी 6 योजनाएं हमारी माटी कला बोर्ड की तरफ से चलाई जा रही हैं, जिसमें एक हमारी पुरस्कार वितरण की योजना है, हमारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है। इन्हीं सभी विषयों को लेकर के आज जनपद में तहसील और जिला प्रशासन के सभी लोगों को बुला करके उसकी समीक्षा की है कि कितने हमारे परिवारों का आंकड़ा हमारे पास है, कितनी हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ ये माटी कला से जुड़े परिवार पा रहे हैं, कौन सी ऐसी हमारे ज़िले में तहसील ऐसी हैं जिसमें माटी कला के ये पट्टे आवंटित किए गए हैं, उन पर कोई अनधिकृत कब्जा तो नहीं है, अगर कब्जा है तो तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। इन सभी विषयों को लेकर के आज बैठक हुई। योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, माटी कला जितने भी लोग जुड़े हैं ऐसा नहीं है। देखिए हमने जो है सभी जनपदों में लगभग 1200 इलेक्ट्रिक चाक हम बांट चुके हैं। यहाँ भी कल हमारा इलेक्ट्रिक चाकों का वितरण है, हमारे डाइयों का वितरण है और 2300 अभी तक हमने जो है पट्टे आवंटित करवाए हैं। अभी हमारी सभी जनपदों में कमिश्नरी स्तर पर एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर लगाया जा रहा है, जिसमें दो जिले में जब सभी जनपदों में 1, 2, 3 समितियाँ बनेंगी, समितियाँ अपनी जगह उपलब्ध कराएगी, हम लोग उसमें 10 लाख की टूल किट लगा के निःशुल्क दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिल रहा है, जैसे कोरोना काल की वजह से 4 महीना हमारा काम थोड़ा डिले हुआ है, उसको धीरे धीरे हम प्रगति को ले जा रहे हैं।